सलमान निजामी, क्या ये इस बात को भी आप खातिर में ला रहे हैं कि ये अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन थी कोविड के समय, और इस समय जब महंगाई की बात हम कर रहे हैं तो सिर्फ देश में नहीं, अमेरिका में भी आप देखिए तो पिछले 70 सालों की सबसे ज्यादा महंगाई वहां भी है। मतलब ये ग्लोबल फिनोमिनन है जो इसका रिफ्लेक्शन हमारे यहां भी दिखाई दे रहा है। क्या जनता कंपैरिजन में ये देखना चाहेगी कि पहले का शासन कैसा था, आज का शासन, आज का गवर्नेंस कैसा है, और क्या उस मामले में बेहतर पाएगी वो आज की सरकार को, और इस हिसाब से शायद टोपी पर कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए उसको एक मुद्दा बनाया जा रहा है? नहीं, आप डेटा देखिए ना, पहली सरकार में क्राइम रेट क्या था और आज के टाइम पे क्राइम रेट क्या है। आज देखिए, जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है या तो उसके पीछे ईडी लगाई जाती है, इनकम टैक्स की रेड लगती है, या उसको जेल भेजा जाता है। तो आज जो है, आज नेशनल, आप अभी यूएस बात कर रहे हैं, यूएन ने तो रिपोर्ट दी कि क्राइम रेट देश में सबसे ज्यादा जो है यूपी में है क्राइम रेट। ये तो मैं अपनी बात नहीं, आप डेटा देखिए, आप नहीं, लेकिन ये कभी नहीं हो पाए, ये क्यों है, ये कहीं ये इसमें पार्टियों की गलती है। हमें याद है वो यूपी में है दम, क्योंकि जुर्म यहाँ है कम से लेकर आज तक, अगर जुर्म कम ही नहीं हुआ, तमाम पार्टियां आई और गई, तो फिर किसी एक पार्टी को कहा जाए क्या सिद्दीकी साहब? दिनेश भाई देखिए, ऐसा है, टोपी की बात हो रही है, रंग की बात हो रही है। सबसे पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के हैं, और देश के प्रधानमंत्री टोपी का रंग की बात करें, और 2017 से पहले आपने देखा होगा हमारे मंत्री थे आजम खान साहब, उनकी भैंसों की बात हो रही थी कि उनकी भैंसें गुम हो गई और पुलिस ने ढूंढ दिया। तो एक लेवल होता है, और हमें लगता है कि ये बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री, टोपी से बढ़कर उनको देश की बात करनी चाहिए, भैंसों से ऊपर उठ करके बात करनी चाहिए, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। अपना डेवलपमेंट, आपने बहुत अच्छी बात कही कि अपने विकास की बात करें, आपने जो काम किया है वो बात करें, जैसा कि अभी कहा गया था कि ये। और रही बात टोपी की, बताइए, लाल टोपी जो है इतना जैसे कोई बहुत खराब, असल में जो लोगों को देखा जा रहा है, आप दूसरे तरीके से भी देखिए ना सिद्दीकी जी, कि अब अगर बात की जाती है भैंस ढूंढने वाले मसले की, तो भैंस ढूंढाई जब की गई वो भी तो एक लेवल था ना किए गए काम का। अब टोपी की बात हो रही है या कभी टोटी की बात हुई, क्या ये मसले ऐसे नहीं थे जिनको लपक कर विपक्षी पार्टियां लोगों के पास चली जाएंगी? मतलब उनकी जगह कोई और होता तो नहीं करता क्या ये? नहीं देखिए, बिल्कुल नहीं करता। लोग अपना काम जो कर रहे हैं, जो विकास करते हैं, जो डेवलपमेंट करते हैं, और जो विजनरी लोग होते हैं, जो विजनरी लीडर्स हैं, वो खास तौर पे डेवलपमेंट करते हैं। आज हमें बड़ा फक्र है कि ये दिल्ली से जो भी आगरा से इधर लखनऊ आता होगा, यकीनन चाहे वो जिस दल का हो, वो एक बार जरूर। अच्छा, एक बात बताइए सिद्दीकी साहब, उसके बाद में आगे बढ़ रहा हूँ, क्या आप ये कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के समय कहीं कोई गुंडागर्दी नहीं होती थी, सबसे बड़े सहृदयता से पेश आया जाता था, और गुंडागर्दी का कहीं कोई आलम नहीं था, सब पर अंकुश लगाकर रखा गया था, किसी बाहुबली को कभी तरजीह नहीं मिली सपा के समय, क्या ये कह सकते हैं आप? बिल्कुल कह सकते हैं। अच्छा। और इसलिए कह सकते हैं क्योंकि मुझे एनसीआरबी के जो डेटाज हैं उसके ऊपर बहुत भरोसा है। एनसीआरबी के डेटा, आप दिनेश भाई, आप भी एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, करोड़ों लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, आप एनसीआरबी का डेटा उस वक्त का निकालें और इस वक्त का निकालें, इनकी सरकार। सवाल ये है कि उन करोड़ों लोगों, मैं आता हूं सर, सिद्दीकी साहब आऊंगा अभी, इस पॉइंट को रखिए आप अपने पास, आप बोलिएगा ना, मैं ये कह रहा हूं एनसीआरबी का डेटा ये भी दिखाता है कि किस समय ज्यादा एफआईआर हुई, किस समय कम एफआईआर हुई, और जब एफआईआर ज्यादा हुई तो मुद्दे ज्यादा दिखे। मैं आऊंगा, पूरा जवाब दीजिएगा सर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।